जैसे जैसे 2019 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अमेठी में सियासी तापमान गर्म होता जा रहा है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में दीपावली में भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग को 10,000 साड़ी बतौर तोहफा दिया था, और अब यहां के स्थानीय सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को खुश करने के लिए इजरायली प्रजाति के 50,000 केले के पौधे भेजे हैं, जिन्हें हर बूथ हर ब्लॉक पर कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों को वितरित कर रहे हैं। जाहिर है, ठीक चुनाव के पहले ऐसे प्रलोभन पर अमेठी में राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर की जा रही टिप्पणी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। देश का सबसे चर्चित वीवीआईपी संसदीय क्षेत्र अमेठी, जहां 2019 के चुनाव के ठीक पहले सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अभी हाल ही में दीपावली पर्व पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी की भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग को तोहफे में 10,000 साड़ियां भेजकर राजनीतिक पारे को गर्म किया था। स्थानीय सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के किसानों को बतौर तोहफे में इजरायली केले की उत्तम प्रजाति के केले के पौधे भेज दिए। ये पौधे अमेठी के हर ब्लॉक पे किसानों को चार चार की संख्या में वितरित किए जा रहे हैं। राहुल जी भी किसानों के लिए पूरे देश में चिंतित रहते हैं, तो अमेठी के लिए निश्चित रूप से कुछ नया करना चाहते हैं, जिससे यहाँ उनको एक उन्नतशील और उनको एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से कृषि का लाभ मिले। तो बहुत ही अच्छी किस्म के केले के पौधे करीब 50,000 अमेठी क्षेत्र में राहुल जी की प्रयास से यहाँ पर आए हैं, जो किसानों में हमारे कांग्रेस जनों द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। अमेठी में इन पौधों को पाकर किसान जहां एक तरफ खुश है, वहीं किसानों ने इसे सियासी प्रलोभन भी कहा है। केले के पेड़ से विकास नहीं होगा, न साड़ी से विकास होगा, ये तो चुनाव के लिए जो है सपना कर रहे हैं, प्रलोभन है ये बस खाली, और इससे किसी किसान का विकास इससे कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा, केले के पेड़ से, केले के पेड़ का संबंध किसान से है, साड़ी का संबंध किसान से नहीं है, साड़ी तो लुभाने के लिए दी जा रही है। ये सब जो चुनावी मुद्दा आता है तो सब आपस में बांटने लगते हैं, लेकिन इसमें किसानों का बिल्कुल हित नहीं होता है। यहाँ तक हम लोग इतने परेशान हैं कि साढ़ अब की तो आधी फसल हम लोगों से ज्यादा, आधी ज्यादा पूरी साढ़ खा गए। केले के पौधे से किसानों को लाभ पहुंचाने की बात पर अमेठी में स्थानीय भाजपा के लोगों ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सिर्फ ड्रामा है, जो पौधे वितरित किए जा रहे हैं उनमें जड़ ही नहीं है, ये सिर्फ किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसमें किसानों को तो कोई लाभ है नहीं, ये तो राहुल गांधी की ओर से एक सियासी ड्रामा किया जा रहा है। किसानों का लाभ होता है कृषि विज्ञान केंद्र से, किसानों का लाभ होता है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से, जिसको दीदी स्मृति ईरानी ने यहाँ पर स्थापित कराने का काम किया है। जो केले के पेड़ वो दे भी रहे हैं, वो पेड़ उनमें जड़े ही नहीं हैं, इसलिए तमाम किसान उससे निराश हैं और देख करके उसका उनका उपहास उड़ाते हैं, उन लोगों का जो जड़ कटे हुए केलों को दे रहे हैं। अमेठी में छोटी छोटी राजनीतिक बातें भी देश में बड़े मुद्दे का रूप ले लेती है, यही वजह है भाजपा लगातार यहां कांग्रेस पर हमलावर रहती है, ताकि बात सीधे राहुल गांधी को लेकर हो। यही वजह है यह 2014 में चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी लगातार सक्रिय है, और 2019 के चुनाव के ठीक पहले अमेठी में ये तोहफे चुनाव की दस्तक देते नजर आ रहे हैं। नाउ 44 के लिए अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।